लक्ष्मी। वाह वाह, क्या नाम है लक्ष्मी। सरस्वती। वाह वाह, क्या पवित्र नाम है सरस्वती। पार्वती। वाह वाह, साक्षात देवियों का निवास यही है। दुर्गा। Hi, Dad. Oh, तो ये चपड़ गंजू आए हम बहनों को देखने। दुर्गा, इस तरह बर्ताव करते हैं मेहमानों से? ये मेरी चारों बेटियां हैं, ये लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा। ये मैंने आपके लिए खास अपने हाथों से बनाया है। मेरे लिए? ये तो हकलाने लगा। जी। और ये लड्डू मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। अच्छा। लीजिए ना। खाइए ना। बड़े घर की ही बेटियां हैं। ये मैंने बनाया है, ये भार का चूड़ा नहीं है, लीजिए। घर का घर बिगड़ा हुआ है। ये बुढ़ी चीख मार रही। अरे क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग शर्म आती नहीं कह रहे हो क्या? इसके झाग निकल रहा है। देखो, अरे अरे क्या खिला दिया तुम लोगों ने इनको? क्या करूं? ना ए, ए, तुम क्या खच्चर की तरह खड़े हो? बुलाओ डॉक्टर को। चुप। क्या चुप? गाय को चिल्लाता है। गाय को चिल्लाता है? अरे ये तुम्हारा सुई अगर छुरी जैसे भोंक दिया तो मुझे तकलीफ नहीं होगा तो क्या मुझे गुदगुदी होगी? बात करती है। सुई से बहुत तकलीफ होता है तो? और गटर का सड़ेला शराब पीने से बहुत मजा आता है ना। ये तो तुम लकी था कि टाइम पर इधर पहुंच गया। चलो चलो, मुंह खोलो। हाँ, खोलूंगा, तकलीफ होगी थोड़ी, लेकिन खोलूंगा। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा। स्टूपिड। ओह माय गॉड, मेरा घड़ी, मेरा घड़ी किधर गया? मेरे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला था, मेरा मदर इन लॉ ने दिया था। अगर मेरा घड़ी नहीं मिला ना तो मेरा हस्बैंड मेरे को डाइवोर्स दे देगा, मेरा मदर इन लॉ मेरे को जान से मार डालेगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग का क्या होगा? मैं लुट गई, बर्बाद। हाँ? माय गॉड, मेरा घड़ी तुम्हारे पास कैसे आ गया? जैसे अंगूठी कल मेरे हाथ में आया था। ओह माय गॉड, ये रिंग भी तुम्हारे पास था? मैं तो आखा घर छान मारी थी। थैंक यू। ओ नर्स। हाँ? अपना नाक का तो लेते जाओ। अरे मेरा नाक तुमने कब उतारा? ए ऐसा बोलो, किसी ने अगर सुन लिया ना तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। बाय गॉड, मैं अभी तुम्हारे को नर्स नहीं करूंगी। हाँ, नहीं तो तुम मेरा सब कुछ उतार देगा और मेरे को पता पर नहीं चलेगा। नॉटी बॉय। ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए कन्हैया, ए आज आ गए तुम लोग। ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे के ठंडक, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर। मामा एक दिन मरेगा जरूर। चुप बे खजूर। ए तू आया ना, बहुत अच्छा हुआ आया। मेरा गला पूरा सूख गया 3 दिन से, दवा और पानी पीके पीके गले की वाट लग गई मेरी पूरी। ए तू लाया मेरी खुराक? ले ना मामा, पहली धार का लेके आया। ए पर ये तो नारियल पानी है। अरे तू चुस्की तो मार के तू देख तो तुम। अच्छा, क्या कमाल का आइडिया है। ए इसमें बहुत कम आते हैं रे, कम आते हैं। बोला ना टंकी है। ये ले, ये बहुत अच्छा आइडिया है। दिल को ठंडक पहुंच गई। ये देखो नारियल।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। नारियल पानी पीता है ना, इसमें बहुत ताकत होता है। हाँ, वो इसलिए मैं मेरा हस्बैंड पेस्टन जी को बोलती हूँ कि नारियल पानी पियो, नारियल पानी में बहुत ताकत होता है, पर वो मेरा जरा पर नहीं सुनता, उसको खाली दूध चाहिए दूध। बोल के नारियल चला गया। ये तू हमेशा लाएगा ना नारियल पानी? अरे बिंदास रे मामा, ऐसे 10-12 रोज पहुंच जाएंगे। अच्छा मामा। अरे इतनी सी लाता है, बोलता है अच्छा मामा। इज्जत से लाओ, पी ले नहीं। हट हट आजी। अभी तक परमानेंटली डाइट नहीं हो गया है ये। हाँ क्या है? हमारा है माजी, हमारा है, हमारा गठरी है। अरे हमारा थैला है, लेकिन ये अकेला है माजी। इसमें हमारा मामा है, ये मामा है हमारा पति। हाँ हमारा पति माजी। हमारे पास 3 टिकट है, ये बिना टिकट के है। बिना टिकट? हाँ हाँ। बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही, चेक कर लेंगे। अरे ये हमारा मामा है। अरे माजी माजी, ये मामा है, हमने अपने हाथ से अंदर डाला। माजी हाथ से डाला है मामा। माजी मामा मामा डाला था तो सही था, ऐसा कैसे निकला? मामा नहीं है, मामा मामा। ए मामा, चला पार्टी वा। ए माता क्या देखता है, चल पीछे, चला भागे वा, भागे वा, पीछे 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 पीछे। हवलदार साहब, ये पोटली में क्या है? अरे बम रह सकता, कुछ भी रह सकता, आप लोग पीछे हटो। चलो चलो भागे वा, भागे वा, चलो पीछे, चल चलो। ए भांजे, एक कप चाय लाना, जल्दी लाना। पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या? ए भांजे, ए कन्नो, कहाँ हो तुम लोग? ए भांजे, ए कन्नो। कौन सी जगह है? मुंबई है। बम्बई है? ये महिला बम्बई कैसे पहुंच गया? मैं बम्बई है। आई लव मुंबई ला कैसे क्या पहुंच लो? आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया, बोले तो चमन मेरा इंडिया। ए बड़ू, यहाँ पर बहुत सोच समझ कर काम बजाना पड़ेगा। क्या ये मुंबई है? मुंबई भाई लोग की नगरी है, और ऐसी जगह है ना यहाँ भाई लोग नहीं होते, फिर भी यही होते हैं। तो समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ गया यार, मतलब तो शक्ल से ढक्कन लगे उसी का बूझ खोलने का ना। हाँ पकड़ लिया, तो पकड़ लिया एकदम। कुछ देख, कुछ देख। हाँ ये कैसा दिख रहा अभी, बगैर एड्रेस का लिफाफा है ना। हाँ इसको कोपचे में लेके इसका काम जाना है। नहीं ठहर ना, आना आना आना। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी है। शू? शू नहीं, शू शू। राजू पटेल। हाँ, मोटा भाई, बोले तो मेरा कपड़ा है भाई। मालूम है। ये पासपोर्ट कहाँ छपवाया? अरे मेरा पासपोर्ट तो मैंने आप। अरे वो है ना रेशु, ये अमेरिका से आया हूँ भाई। मैयत में आया क्या? शादी के लिए आया भाई। अच्छा, बर्बाद करने के लिए अमेरिका में कोई मिली नहीं तेरे को? नहीं मोटा भाई, अभी बोले तो क्या है ना, मेरी माँ ना मरते वक्त मेरे को बोली कि बेटा शादी करना तो किसी इंडियन से करना, इसीलिए मैं अपना सारा कमाई ना बचा कर यहाँ इंडियन लड़की से शादी करने को आया। मेरी माँ कितनी खुश होगी ना। ये माँ। ए, नहीं चलो तुम मुकर, चलो हमको भी बुलाता है। कपड़ा है मेरा, सारो कपड़ो छे मारो भाई। मालूम है। ये क्या है? क्या? ये क्या है? क्या है ये आप ही ने रखा होगा भाई, मेरे को आईने में से तोड़ा लगा भाई। ये कोकी ने मैं लेके घूमता हूँ। तेरे को मालूम है इसकी क्या सजा है भाई? अबे तेरे को कानून की दफा कई दफा लगेगी, इतनी दफा लगेगी कि तू दुनिया से दफा हो जाएगा भाई। भाई क्या, फिर ऊपर जाके शादी कर, खर्चा भी नहीं लगेगा तेरे को भाई। मेरी माँ मेरे को। अबे चुप, तेरी माँ क्या तेरे को नमक लेके कोकीन लेके घूमने को बोले तेरे को भाई? चल चश्मा निकाल, टोपी निकाल, पैंट निकाल, चल शर्ट निकाल, नीचे चिपकी हुई। फिदा मियां, अमेरिका की फ्लाइट को आकर जमाना हो गया है। कहाँ है ये आपके राजू पटेल साहब? हम लोग तेरे गिरोह को पकड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर तूने जरा भी होशियारी, जबकि तू होशियार नहीं है, फिर भी कोशिश की अगर तूने, तो 200 साल की सजा और 6-7 बार तेरे को फांसी लग सकती है बेटे। अभी बोले तो भाई, मेरी माँ मेरे को बबुल, तेरी माँ ने जो तेरे को पैदा की ना, उनको भी सजा लग सकती है। ए भाई मेरी शादी की बात की तो तेरे बाप को भी लग सकती है भाई। तेरे बाप को टाइम कहाँ से मिला तेरे लिए यार? बहुत सी बातें बेटे, समझा कर, खामोश रहने का। देख साहब क्या बोल रहे हैं, ठीक से सुन ले, ज्यादा बोलती नहीं है वो। ए भाई मेरे, चुप चुप चुप। हां भाई, हिलना नहीं भाई, मैं तो उंगली मत हटा, चुप चुप। आई लव माय इंडिया। ए भाई,
आज का दिन है बड़ा महान, कपड़े मिल गए बच गई जान। वेलकम मिस्टर राजू पटेल फ्रॉम अमेरिका, यकीर बंदा फिदा हुसैन दहलवी सरजमीन हिंद पे आप दोनों का खैर मकदम करता है और आपकी खिदमत में तीन फर्शी सलाम पेश करता है। आपका भीख मांगने का स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनको पावली दे दो। ला हौल वला कुव्वत जनाबे वाला, मैं तो आपकी खिदमत में नजराने अकीदत पेश कर रहा था। हकीकत देखी थी, धर्मेंद्र वाली तो बहुत अच्छी थी, अजय देवगन वाली भी काफी अच्छी थी। जनाब जनाब जनाब, मैं ये कह रहा था कि आपके होने वाले ससुर आपको लेने के लिए तशरीफ लाए। होने वाले ससुर? हाँ, मैं धनेश्वर पीताम्बर, आपके अंकल ने मेरे बारे में बताया होगा। ऑफ कोर्स बताया था, तभी तो हम लोग आए ना, मालूम था ना कि आप रिसीव करेंगे ने? कैसा रहा सफर आप लोगों का? एकदम सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई टेंशन नहीं, मौसम फर्स्ट क्लास था, आ गए एकदम, कपड़े भी आ गए पूरे एकदम। आपकी तारीफ? ये अपना पंटर है बॉस, नहीं बोले तो अपना भाई है अकन्नू भाई। सर गाड़ी आ गई है। नहीं मुझे इजाजत दीजिए। कमाल की कौड़ी फंसी यार भाई, ये तो अपन लोग को राजू पटेल समझ के लेके जा रहे हैं यार। मस्त है तो समझने दे, जाके उनको भी समझेंगे मालदार पार्टी। चलो मैं आके देख लेते, चला चल क्या करते हो तुम, इतने अटे कटे जवान आदमी हो, ये पैसे लो, चलो मिल गए, जाओ जाओ बाबा। अरे भाई मैं तो अपने हक का मांग रहा हूँ भाई, मेरे पास धक्का मार, आगे जाओ बाबा, धक्का बक्का रह जाएगा, मैं तेरी बैग खोल दूंगा। माल के लोग अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भाई, भाई, भाई के नौकर नहीं हूँ क्या मैं? ये भाई, 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 मेरा पासपोर्ट भाई, अभी मैं कैसे बोलूँ आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। इसका करिया कौन है मुझे जरा बताएंगे? करिया नहीं, आर्किटेक्ट बोल गधेड़ा। बुड्ढा हमने सही बोला है, बुड्ढा ने किस्मत बोल किस्मत बहुत सही जगह पे लेकर आई ली। यहाँ का झाड़ू मार लिया तो जिंदगी भर के पनौती धुल जाएगी। झाड़ू नहीं, मैं तो फटका ही मारने के लिए सोच रहा हूँ। यहाँ की मकड़ी भी सोने का अंडा देती होगी भिड़ू। हुजूर कहाँ खो गए? जनाब मैं आपसे हम कलाम हूँ। कौन मैं? हजाम हूँ क्या? बोल क्या रहे हैं आप मुझे गलत समझ रहे किबला। कौन से बेला? आप अपनी उर्दू अपने पास रहने दीजिए, नहीं समझ में आ रही तो क्यों परेशान करते हैं। चलिए सब चलिए, आप जाके बच्चियों को इतला कीजिए कि मेहमान आ गए। अरे बच्चियों को इतला करने की क्या जरूरत है जनाब, उन्हें खुद पता है कि अपनी हयात में शरीक करने के लिए विलायत से शख्सियत तशरीफ ला रही है। अंकल तुम्हारे पास सीमेंट है क्या? नहीं भाई क्यों? या तो इसके मुंह पे मारो, नहीं तो हमारे कान पे मारो। अरे भाई उर्दू है ने वर्ल्ड की बेस्ट जुबान है, लेकिन हम जैसे डफर लोगों के सामने उसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? समझ गए आप, ये याद रखिएगा, यही बच्चों को बुलाइए चलिए। नहीं क्या है अमेरिका में रह के ना हमको हिंदी ठीक से नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, अरे अपना गुजराती नहीं आती तो उर्दू कहाँ से आएगी? नहीं बोले तो आई लाइक ट्रूथ हो। ये पता नहीं कितना वक्त लगाएगा मैं। मेरी बेटी दुर्गा है। नमस्ते। अगर आप आज्ञा दे तो मैं उतारू इनकी आरती। एक मिनट चलो। आप तो ऐसे चेक करे जैसे उसमें पूजा का सामान नहीं बम रखा हो। अरे वो छोड़ो ना, तुम्हें उतारो ना, उतारो। तुम्हारी और बहने कहाँ हैं? बंदोबस्त कर रही हूँ आपकी खातिरदारी का, अभी बुला लेती हूँ। दीदी ये मेरी बेटियां हैं, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती। नमस्ते।
आप तो बोलते थे कि आपकी बेटी लोग बहुत शरारती ने मॉडर्न है, लेकिन ये तो पार्टीशन के पहले के मॉडल लगते हैं। बोले तो सबकी सब साड़ी में हो, सबकी सब साड़ी में। आप हैं मिस्टर राजू पटेल? नमस्ते। ये उनके दोस्त हैं मिस्टर कन्हैया, अमेरिका से आए हैं। हेलो। नमस्ते। आपका सारी दुनिया में कारोबार है, इज अ बिग शॉट। शॉट्स तो अब हम लगाएंगे लल्लू। आप कुछ बोल रही हैं कि मेरे कान बज रहे हैं? कुछ नहीं, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप कुछ लेते क्यों नहीं? एक मिनट, मुझे भी लड्डू लो। ठीक है पिताजी। बिल्कुल ठीक है। लीजिए। राम जी को शबरी ने बेर चक चक के दिया था, इसी तरह ये भी सब चक करके दे रहे लब्बा। अब कुछ लोचा है ओखली में सर दिया तो मुस्लू का लोचा क्या है ने? आप ये शरबत लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ओह थैंक यू। चक करेंगे? मैं चक देती हूँ। नहीं, ऐसे टाइम पास कर रहा था। वैसे आप करते क्या है? मैं इनके बहुत खास हूँ। ऐसे मतलब चमचे हैं? समझे नहीं मैं। ऐसे मतलब आप इनके चमचे जैसे? ऐसे नहीं, मैं चमचा हूँ। अरे जोकिंग है, इज जोकिंग। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, हां ही इज लाइक माय ब्रदर। हां वी आर लाइक दिस। आप कहाँ रहने वाले हैं? अपने गेस्ट हाउस में। और कहाँ? ओह रियली? फिर तो बहुत मजा आएगा। क्यों? इसमें मजा का क्या, कुछ मांजरा लगता है। देखिए भाई, सच्ची बात यह है कि आप लोग आए बड़ी खुशी की बात है, और उसी खुशी में मैंने शाम को एक बड़ी शानदार पार्टी रखी है। आप लोग आराम कीजिए, शाम को आप लोगों से मुलाकात होगी। फिदा भैया ले जाइए। अरे ओके। अरे ये चलो आइए। अरे ये तो एकदम कमाल का बंगला है ना जी। बोले तो क्या बंगला है, ना क्या लॉन है, ना क्या गेस्ट हाउस है, ना बहुत सुंदर है। हुजूर इस बंगले का मालिक उससे भी ज्यादा आलीशान शख्स है। इस माहौल जाविदा में कदम बोसी कीजिए। नहीं मौसी को तो मर के बहुत साल हो गया ना भाई। हुजूर मैंने मौसी नहीं कदम बोसी के लिए कहा है, तशरीफ रखिए। नहीं शरीफ भाई भी सेटल हो गया कराची में, बरसों हो गया ना उसको। ला हौल वला कुव्वत। बुजुर्गों ने सही फरमाया है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ हासिल नहीं होता। कन्हैया भाई आपको भैंस बुला रहे ना? ये सूखे खजूर के कीड़े लगे बीच, जब से चुप बैठे लाओ तो दिमाग चाट रहे ला। कनपटी पे दूंगा तेरे को। अबे गोटी क्या दिखा रहे, निकाल के कोरबा खेलूंगा। ऐसा खर्चा पानी दूंगा कि तेरी माँ जिंदगी भर तेरे बाप का कॉलर पकड़ के बोलेगी इसका डिलीवरी का चालान किधर है। अबे चल कोर्ट निकल लेने तो दिमाग की नस फट जाएगी। बहुत मारूंगा तेरे को जल्दी खा बे। हुजूर अल्लाह ये किस जुबान में खुराफात उगल रहे हैं भाई? ये खुराफत नहीं है, शराफत है। वरना ये इतनी बड़ी आफत है ना कि इससे पहले ये बड़े आप बढ़ लो ने बजाए बजाएगा ना, बहुत जोर से बजाएगा, इतना जोर से बजाएगा ना खुदा के तुम्हारी ने। भाई तू ठंडा हो जाना, जाए ना फ्रेश हो जा। जा भाई ये लाल पीला रहा क्या है? अखाड़े में रेड पड़ी है क्या? ओए WWF अपन में रफ एंड टफ है क्या? निकल ले तो बड़ा कनपटी पे दूंगा, तब मालूम पड़ेगा। चल ठीक है नहीं तेरे को बोलता हूँ, इधर है। हेलो हेलो आप लोग बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे थे, बैठिए ना। वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक्स? टी कॉफी लंच? नो लंच। देन पांच। ये क्या हो रहा है? अरे ये मक्की जला। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं सोचा तू नहा रहा है, तेरे को धो रहे ला यार। अबे तू है किधर? अबे तू किधर है? अबे उठ, अरे उठ, उठ। तुम्हारी झटका तुम लोग मेरे दोस्त को मार रहे हो। हट हट, ये उठ जा, उठ जा ना। अबे देख तू, देख हाथ देख। हाँ पकड़ कर लो, पकड़ दबा सारे लोग को, पकड़। अबे बहुत तगड़े यार WWF वाले। अबे अबे कौन हो तुम? अबे बदबू यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? अबे हम लोग का को, अबे हमको हाय हाय कर रहे हो, हाय लगेगी हमारी। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे नहीं यार, नहीं यार, नहीं। अबे अबे हड्डियां टूट रही है छाती की। अबे कर क्या रहे हो? अबे ले लो को, ले 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 WWF। ये तो मेरी है, ये राजा।
भाई उठने क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? नहीं भाई मेरे को तकलीफ नहीं, एड्रेस चाहिए आपने। एड्रेस ये बहुत दूर है, टैक्सी से जाना पड़ेगा। पैसे हैं? हाँ पैसे हैं ना मेरे पास। कितने हैं? हजार रुपए। देखने के दिखा था भाई, कहाँ गई हो? अच्छा ये देखो भाई, पहले एड्रेस आप दे, वो झाड़ के पीछे चल। झाड़ के पीछे? अभी बोले तो इंडिया में लोग झाड़ के पीछे क्यों ले जाते भाई? झाड़ के पीछे चल ना, बाद में बताता हूँ। अभी बोले तो टैक्सी उधर मिलेगा, पूरा टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे ड्राइवर के साथ। चल जल्दी चल ले भाई, जल्दी चल ले। आपका बोले तो बहुत बहुत थैंक यू, मेरी मम्मी तुमसे बहुत खुश होएगा भाई। चलो भाई चलो, हाँ चलो अभी मेरे को मालूम पड़ा कि इंडिया में लोग झाड़ के पीछे क्यों ले जाते हैं। पहले मेरा पासपोर्ट गया, फिर एड्रेस गया, अभी रुपया गया। इंडिया इज ग्रेट। क्या बात है, क्या बात है, मगर माफ कीजिए आप लोगों में कुछ औरतों के गुण दिखाई नहीं दे रहे। नारी के नाम से कलंक होता है। नहीं सॉरी, मुझ में औरतों वाले गुण ना सही, आप में मर्दों वाले गुण है क्या? अब आपको क्या मर्दानगी दिखाओ मैडम, किसी मर्द से मुकाबला करवाइए, फिर देखिए इस मर्द में क्या क्या गुण है। आपको किसी मर्द की क्या जरूरत, मैं ही काफी हूँ। कमॉन मोहतरमा, कन्हैया औरतों के साथ इश्क लड़ा सकता है लेकिन हाथ नहीं उठा सकता है, चाहे वो बॉक्सिंग हो या जूडो या कराटे। सीधे सीधे कहो, तुम डर रहे हो। मैं डरता हूँ औरतों से? देखिए मैं बॉक्सिंग में इतनी ट्रॉफी जीत चुका हूँ कि घर में रखने को जगह नहीं, कब मैं सोता हूँ ट्रॉफी ओढ़ता हूँ। तो कर लो मुझसे मुकाबला, कमाल। मर्द का औरत से क्या मुकाबला? लेकिन एक मर्द का चार लड़कियों से मुकाबला तो हो सकता है ना? चार? जी हाँ, एक अकेली शायद कमजोर पड़ जाए, लेकिन आप तो हम चारों पे भारी पड़ सकते हैं। मर्द जो है वो भी इतने गबरू जवान क्यों? सो तो हूँ लेकिन तो दीजिए ना अपनी मर्दानगी का सबूत, हो जाए मुकाबला, फिर देखते इन तिलों में कितना तेल है।
अबे किधर में तू? अरे मैं यहाँ हूँ। तेरी आवाज तो आ रही लेकिन तू क्यों नहीं आ रहा है? नीचे देख। अबे कन्नू। अरे तू तो स्क्रैप के माल के माफी बिखरे ना पड़ा है, तू तो भंगार में बिकने के लायक भी नहीं रहा। ये सब हुआ कैसे? हाँ? तेरे बाप ने पत्नी क्या पाप किए होंगे जिसकी सजा मेरे को मिली? अबे मेरे बाप के पाप की सजा तेरे को काय को मिलेगी? तेरा क्या मैथमेटिक्स खराब हो गया क्या? सीधा बोल, ये हुआ। अरे राजा, अरे धोबी घाट में भी कपड़ों की इतनी धुलाई नहीं होती होगी जितनी मेरी धुलाई हुई है। अरे लेकिन ये सब किया किसने? इस घर में चार चुड़ैले हैं ना, उन्होंने तुझे इस घर से बाहर निकाल के फेंकने का प्रोग्राम सेट किया हुआ था। फंसा मैं। अच्छा अरे कन्नू बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ओके हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आंखों से सुन सकता हूँ, कानों से बोल सकता हूँ और मुंह से देख भी सकता हूँ। अरे ये उन चारों कमीनों ने मेरी बॉडी की हिस्ट्री जॉगर में बदल दी यार। अरे कन्नू तू घबरा मत, उन गोपियों ने तेरी बांसुरी बजाई है ना, अरे मैं उन लोगों की बैंड बजा दूंगा। नहीं तब तक मैं बचूंगा नहीं, तब तक मैं बचने वाला नहीं हूँ। पूरे शैतानों ने मिलके फुर्सत में उनको ट्रेनिंग दी है। मेरी बात सुन, जितना जल्दी हो सके तिजोरी में से माल निकाल के निकल लेंगे यहाँ से, वरना आए थे दो पैरों पे जाएंगे चार कंधों पे। देख कल को अपनी आरती पे हे राम बोलने वाला कोई नहीं है। नहीं अपने को तो लोग हराम ही बोलेंगे ना। बोलते हैं ना फिर। लक्ष्मी नी ए भाई, ये तक सही ए भाई 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 मारे बात तो समझ। दानेश्वर सेठ का बंगला यही है लेकिन वो रात को बिक नहीं देते, सुबह आना। अरे भाई मारे बात तो समझ, भिखारी ना थी। अरे मैं तो सेठ जी से मिलने के लिए आया हूँ। माइसेल्फ इज राजू पटेल। हेलो, कौन सा तेल? राजू पटेल हूँ, अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से भीख मांगने आया? भीख मांगने नहीं भाई, मैं तो सेठ जी की लड़की के साथ खास शादी करने के लिए आया हूँ अमेरिका से। अच्छा, सेठ जी की लड़की के साथ में शादी करने आया है? इम्पोर्टेड भिखारी, भागे। जोश तने, ये जोश बाहर जाके बताना, चल यहाँ से। राजू पटेल आज सेठ जी से मिलके जाएगा, पक्को जी। चल बेटा। क्या कर रहा है यार? अरे भाई एक आदमी का कराटा नहीं है। अरे बाप रे, आदमी है ये टंकी। क्या कर रहा? ये शहना, ये बिस्मिल्लाह खास होने को तो बहुत मारेगा इसको यार, नाक में पड़। शहना को बदनाम मत कर, ये बेसुरी मत कर। कमाल आदमी है यार, हट जा, नगाड़ा। ये तो घोड़े बेच के सो रहा है बाप। घोड़े नहीं, तबेले बेच के सो रहा है बाप। तबेला बिकने के बाद आदमी ऐसा सोता है? इससे भी ज्यादा गहरा। मैं काम करता हूँ, इसके मुंह में अलार्म लगा डालता हूँ। कौन सा अलार्म लगा रहा है? लोग जागने का अलार्म लगाते हैं। मैं सोने का अलार्म लगा डालता हूँ। लगा लगा जल्दी लगा। ये मुंह खोलेगा कि नहीं देखता हूँ। खोल दिया। फर्स्ट क्लास। जब तक ये अलार्म बजता रहेगा ना, समझ लेना बुड्ढा सो रहेगा। चल धंधे में लग जा, चला जा। आजा मेरे भाई, इतनी बड़ी तिजोरी है जैसे चोर बाजार में देखी थी एक बार, मेरे को मालूम है कैसे खुलती। लंबू चेहरे, खोल जल्दी।
मेरे को मालूम है कैसे खुलती है। एक और गिले। क्या खोला तो नहीं? चल 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 तेरे लिए मैं तो माल डाल चल माल डाल। अच्छा चल 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 अंदर डाल। अरे वाह। ऊपर कभी नहीं। तो जी। लटकी क्यों? लटकी क्यों? समझ चढ़ी क्यों? लगे रे बुढ़ा। अबे आवाज मत कर। चल चल। मैं क्या बोल रहा हूँ? Excuse me, भाई। तू चुप हो। मुझे क्यों मार रहे हो अंकल? ये है ना तुम्हारे पीछे घोड़े में छुप गया था ने। अरे सिटीज के मुंह में थी ना तो हमको लगा के ये चोर। मैं बत्ती जलाता हूं। ये मोटा भाई चुप चलो। ये भाई मैं तो शादी के लिए आया था भाई। ये तेरी शादी? एक मिनट। ये भाई मेरा पासपोर्ट। और क्या तेरे पासपोर्ट? एक मिनट। इसको मैंने कहीं देखा है? इसको देखा है मैंने कहीं? देखा। हाँ ये वो एयरपोर्ट वाला भिखारी है। एयरपोर्ट अभी है ना? अभी ये चोर बन गया भाई। और इसकी हिम्मत तो देखो, ये आपके ही घर में चोरी कर रहे हैं। भाई ये रिपोर्ट नहीं चाहिए मेरे को। अंकल अंकल एक बात बोलूं क्या? तो मैं पुलिस को फोन लगाओ आने में इसको ऐसा धक्का मारता हूं। ओके ओके कीप द चेंज। ओके बाय राजू। मैं बस। अरे पकड़ 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 थैली पकड़। अरे चोर। अरे आप लोग मामा भांजे टाइम पास कर रहे यार। क्या तुम लोग को जिसको देखो मारने चले आते कोई काम धंधा नहीं? भांजे मामा भांजे मामा भांजे दिन भर इधर इधर भटकता रहता है। मामा के बारे में कभी पूछा ही नहीं, रुपया ही नहीं सोचा ही नहीं, कुछ नहीं पूछा। मामा क्या है? इतने दिन से कहां था तू? अखे मुंबई के पूरे अड्डे खोज मारे मालूम? अरे रहने दे रहने दे। मिल गया इसलिए हमदर्दी दिखा रहे क्या? या खाने पीने रहने के वांदे हो गए? साया अंधेरे में साथ छोड़ देता है और नसीब बुरे दिनों में साथ छोड़ देता है। तू बीच में ही गुल हो गए क्या रे? अरे मामा तेरे सारे गिले शिकवे दूर कर डालूंगा। आजकल ऊपर वाला बहुत ज्यादा मेहरबान है अपने पे। अरे तेरे पे मेहरबान है, मेरा क्या है? अरे मामा मामा इतना समझ गया। चल कट्टी मार। नहीं नहीं गला गिला करने के लिए। अरे क्या करता है मामा? ये ले ले चल सट ले चल सट। चल कट्टी मार तू निकल लो आज के दिन। राजू मेरा पर्स मिल गया। ए भाई चोर साला। ए कस्टम ऑफिसर भाई 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 मैंने आपको का नहीं ढूंढा भाई। भाई मैं तो बर्बाद हो गया। अरे अमेरिका में तो इंडियन के साथ ऐसा नहीं होता जो इंडिया में इंडियन के साथ हो रहा है। अरे इधर एड्रेस पूछो तो लोग पीट देते, भीख मांगो तो लूट लेते। मैं तो बर्बाद हो गया भाई। नहीं करनी मेरे को शादी में, अमेरिका जाना चाहता हूँ। अबे तेरे पासपोर्ट है ने? तू मिला नहीं ने? तो मैंने पासपोर्ट ऑफिस में दे दिया। जमा कर दी। तो अभी मैं पासपोर्ट ऑफिस का नहीं, मैं बताता हूँ ना बराबर एड्रेस देता हूँ ना। यहाँ से तू राइट जा न पची उधर से राइट जा न पची उधर से राइट जा न पची उधर से राइट। मैं वापस इधर ही पहुँच जाऊंगा। हाँ तो सामने ही है ना पासपोर्ट ऑफिस। वो तो पागल खाना है भाई। नहीं पागल खाना तो नीचे है ना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पासपोर्ट ऑफिस है। वहाँ पर जो भी पहला आदमी मिलेगा ने उसे पहले प्यार से ना तीन बार पासपोर्ट मांगना। नहीं देवे तो? नहीं देवे तो पच्चीस। समझ गया। समझ गया। तो पहले प फॉर पागल खाना ने पची प फॉर पासपोर्ट ऑफिस। प पा पू 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 पो पो। अरे पोची गया। अरे ये बाय छूट है क्यों? बाय 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 जवानों दे जवानों। ए भाई ए ऑफिसर भाई मारी बात। ए
कमिंग। भाई ए भाई ए भाई ये भाई मैं तो आपको खाली उठा रहा था। क्या है, किससे मिलना है? मिलने का नहीं है, लेने का है। लेने का है क्या? पासपोर्ट। पासपोर्ट? हाँ, अभी बोले तो कस्टम ऑफिसर भाई है ना, वो बोले मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है। तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है? और ये पासपोर्ट ऑफिस है? और नहीं तो क्या। वो कस्टम ऑफिसर भाई मेरे को बोले पफो पागल है ना, पफो पासपोर्ट ऑफिस पापू। वेरी गुड, और क्या बोले? अभी और बोले कि जो भी पहले समझदार आदमी मिले ना उसे पासपोर्ट मांग लेना, तीन बार प्रेम से मांगना, और नहीं देवे तो पहली बार थोड़ी ना बोलूंगा भाई, तीन बार प्रेम से मांगूंगा ने। ए भाई पासपोर्ट दे ने। ये भाई मेरा पासपोर्ट आपने। ए भाई मेरा पासपोर्ट दे ने। छोटी बारे ये भाई अरे बाप रे बाप, ये घर है ये महल है, 10-12 टेबल्स लगाए तो अच्छा बार बन सकता है। आदमी अगर सुबह को गुम हो जावे तो शाम तक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भांजे क्या जगह देख के सेट हुआ है? अरे आहिस्ता बोलना मामा, सारे गुड़ का गोबर कड़ा लेगा क्या? अच्छा अभी देख सूट भी पहन के आया ला, जरा स्टाइल में रहना, कारपेट खराब मत करना। नहीं नहीं नहीं। हाँ क्या? तू देख लेना, मैं ऐसे बोल बच्चन दूंगा कि इस बंगले का मालिक तेरे मामा के सामने खुद को नौकर समझेगा। लेकिन लिमिट पकड़ के ना, बॉर्डर संभाल के। लिमिट में अंदरल अंदरल। हां बुलाना जा रहा हूं। बुला, मुंह ठीक से बोल ले। हां बुला रहा हूं। बुलाना भी कर। अरे अंकल जी तुम्हें क्या छो? गुजराती बोल रहे हो। इसमें से अंकल कौन है? लाल शर्ट वाले। लाल वाला ये आप कौन साहब है? अंकल जी ये ना मेरे मामा जी है, पी के गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े? नहीं बोले तो गिर पड़े, इनका सरने में हो। काफी लड़खड़ाता सरने में। नमस्ते। नमस्ते से नहीं चलेगा तो गले मिलो। ओ एले एले क्या लूं? एले मैं आपको नहीं, मैं इसे बोल रहा हूँ। अच्छा हुजूर आदाब। कौन आला दाबू? नहीं नहीं दाबू नहीं, इनका मतलब है खजाने दीजिए, रहने दो ना उर्दू यार। बेटे तुमने इनका आने का बताया नहीं, ऐसे आगे बेचारे। अंकल जी मेरे मामा जी का है ना ऐसे ही छे, बोले तो हर इंटरनेशनल फ्लाइट में ना इनकी एक टिकट बुक कर रही थी। हर फ्लाइट में आपका वो भी तो है ना, क्या कहते हैं वो कैटरिंग का है ना। कैंटीन है ना, कैंटीन है हमारा। हर एक रेलवे स्टेशन पे एक एक कैंटीन है हमारा। फॉरिन में है, यहाँ नहीं है। तशरीफ रखिए ना। क्या रखूं? अरे बसायला बोलता है मामा। अरे बैठने को बोल रहे हैं मामा जी। जी सर कड़क है, इतना भी नहीं है, चुप करो। तो हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ताजमहल होटल का? नहीं नहीं, वो आगरे का ताजमहल। उसका कैसे कॉन्ट्रैक्ट? साफ सफाई का। 2 महीने पहले लाल किला और कुतुब मीनार साफ सफाई किया था, गंदा हो गया था ना। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? एकदम। 6 महीने पहले आईफेल टावर का गंज साफ किया था। गंज लोखंड का है? नहीं वो जंग की बात कर रहे हैं। अच्छा जंग। जंग 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 नहीं जंग। कुछ दिन पहले इसका भी टेंडर भरा था। उसका नहीं वो अमेरिका में क्या है, वो हाथ में मशाल लेके खड़ा है, वो समंदर में खड़ा है, वो क्या है? आ, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी लिबर्टी अरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वही तो बोल रहे हैं ना मामा जी, समझते नहीं हो। वही वो वही बोल रहे हैं ना। बोले तो वर्ल्ड की जितनी क्लासिक चीज है ना जगह, उनका सबका मेंटेनेंस का है ना, बोले तो हमारे मामा जी के हाथ में है। मैं मतलब साफ सफाई के काम में आप काफी माहिर हैं। बोले तो धंधा ही वो है ना। धंधा वही चाहिए ना। तो घोरपड़े साहब? घोरपड़े नहीं गिर पड़े साहब, आपके भांजे ने दिल जीत लिया हमारा। आदमी जैसा है ना, 15 मिनट अगर किसी के बाजू में बैठे ना तो उस आदमी को कंगाल कर देता है। कंगाल? दिल जीत लेता है ना उसका। बॉडी में से अगर दिल निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाए। जेब में से अगर पॉकेट निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाए। आ गई पॉकेट नहीं, बोले तो दुर्गा जी की बात कर रहा हूँ। दुर्गा जी आ गई। आओ बेटी, ये राजू के मामा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटी, इसकी जरूरत नहीं है।
जीती रहो, देखो सोने की चिड़िया, तुम्हें सुखी रखे। ये ले ये ले ये ले ये ले, मरवाएगा ये ले। मैं इसे बोल रहा हूँ। अच्छा यही है ना तेरी? हाँ। कैसा लगा ये हमारा नालायक नंबर वन? मामा ऐसा ना बोला जामायला, ये नालायक नहीं है, लाखों में एक है। अच्छा वैसे आप सफर से आके काफी थक, आपका सामान कहाँ है? ओ, मैंने पहले गेस्ट हाउस में रख दिया था ना। तो फिर आप आराम कीजिए, रात को खाने पे मुलाकात होती है। मिलते हैं। बिल्कुल आओ, okay. आओ मामा। बाहर 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 नहीं, देवड़ा किंग बाहर। बड़े अच्छे लोग हैं। अरे मामा, अरे ओ मामा, ये लाल बाग परेल घाट को पर दादर। अरे बंद करो म्यूजिक यार, नहीं सुना तेरा बहरा हो गया यार। ए ए देख काय को बन किया है, तेरे को मालूम नहीं है क्या मैं म्यूजिक लवर हूँ? अरे मामा तू ये क्या सुन रहे लाल, मैं तेरे को जगह पे लेकर चलता हूँ ना। कहाँ रे कहाँ? इन लोगों ने, इन लोगों ने, इन लोगों को लेके चलता हूँ। सच्ची? अरे सच्ची? अरे बहुत दिनों है मैंने मुजरा ही नहीं देखा। दिखाता हूँ ना मैं। औकात नहीं है खरीदने को गजरा, चले है मुजरा। होकर के मिल रहे तो पीते रहो गबा गप गप। क्यों बैठ, मैं तेरी थोड़ी ना पी रहा हूँ। नहीं नहीं बात कर रहे, मैं राजा की पी रहा हूँ। बात कर रहे राजा की, बाप की फैक्ट्री है। अरे तू बाप का नाम क्या लेता है, तेरी जात का? मामा से बात कर रहा हूँ ना यार मैं। अरे नहीं है तो हो जाएगी। अरबपति आदमी का दामाद होने वाला है क्या? मारा है मामा, क्या जगह देख कर घुस गए? अभी घुस के मत दिखाना, बस करना यार। ऐश कर बेटा ऐश कर, महलों में रहता है तू। लेकिन महल में रहते रहते झोपड़ी वालों को भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। क्या बात करता है? अरे इस दुनिया में ऊपर वाला इंसान को पैदा करके भूल सकता है, लेकिन राजा अपने मामा को कभी नहीं भूल सकता। इन हाथों ने कचरे के डब्बे से उठाकर सीने से लगाया है मुझे, इन कांधों ने झुलाया है मुझे, अपनी गोद का बिस्तर और ममता की चादर बनाकर सुलाया है मुझे। दुख दर्द गम खुशी हर सुख दुख में मेरे सर पर छत बनकर हमेशा रहे हो तुम यार, तुमको कैसे भूल सकता है राजा, कैसे भूल सकता है राजा? ये इमोशनल सीन खत्म हुआ तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग की बातें सोचे हम लोग मामा। शाम को सेठ जी के साथ बैठ के डिनर लेना और राजा की शादी की तारीख पक्की कर लेना, ताकि दहेज के 5 करोड़ लेकर हमें इनके साथ हनीमून चले जाएं, समझे? क्या 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 बोला तू? 5 करोड़। 5 करोड़। अरे भाई खाना लग चुका है, इंतजार किस बात का है, शुरू कीजिए। आई शपत, इतना अच्छा खाना और इतना सारा खाना मैंने एक साथ एक टेबल पर कभी नहीं देखा था। आई शपत बोलता हूँ आज मैं जी भर के हड़चूंगा। अरे डॉक्टर ने मना किया था ने कि नॉन वेज नहीं खाने का, ना तिक्का नहीं खाने का, ना मिठा नहीं खाने का, ना नमकीन तो चखने का ही नहीं। 5 साल की उम्र से बीमारी है, ना 50 तो बीमारी है इनको, इसीलिए बोल रहे हैं कि आज तक टेबल पे इतना सारा खाना एक साथ देखा नहीं। क्या बीमारी है मेरे को? एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी है ना, इनको बात ना मानने की बीमारी है। वो तो बहुत है। पैसे तो बहुत है भगवान की दया से, पर क्या के डॉलर थोड़ी खा सकते हैं। इनके नौकर तक के ना घर में चिकन मटन खाते हैं, पर ये है कि सूप पे जिंदा है। वो भी चिकन सूप भी नहीं है, वो सादा सूप दो, वो वेजिटेरियन दो ने उनको। गिरबड़े साहब आपके बारे में जान के बड़ा दुख हुआ, मगर क्या करें, जान है तो जान है। मेरे लिए तो जीते जी शमशान है। अरे ऐसा नहीं बोलो ने, जो दिया है ऊपर वाले ने उसमें मैनेज करो, बिल्कुल ठीक से मैनेज करो। मैनेज करूं? हाँ मैनेज करो। आप भी है ना मामा जी, आप बहुत गड़बड़ करते हैं। ओ ज़्यादा लेके इज्जत मत खराब कर मामा। क्या सूप है? गिरबड़े साहब आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या तकलीफ की क्या बात है, अरे जिंदगी में मैं पहली बार एसी में गद्दे पे सोया हूँ रेशम की कंबल ओढ़ के। पहली बार? नहीं वो पहली बार का ऐसा है ने कि डॉक्टर ने इनको एसी में सोने के लिए मना किया है। अच्छा अच्छा। अने पची वो गधे लगा तो सवाल ही नहीं उठता ना। क्यों? बोले तो इनको स्लीप डिस्क है ने। स्लीप डिस्क? मेरे को स्लीप डिस्क है? अब दिल और गुर्दा तो पहले से बदलवा चुके हैं, अब रीढ़ की हड्डी थोड़ी ना बदलते। दिलो गुर्दे बदलवा चुके हैं इनके? हाँ, इसीलिए अभी तक इन्होंने शादी नहीं की।
अब तो कुछ बदलने के लायक भी नहीं है। अगर कुछ हो गया ना तो सीधा स्क्रैप में, पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं। मामा इतना काफी है कि थोड़ा और दे, जहर दे, थोड़ा जहर दे। अरे नहीं साहब, ऐसा क्यों बोलते हैं? चलिए हम आपको रात को घुमा के लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या है, रात को हमारा पहले से एक प्रोग्राम फिक्स्ड है। रात को ये मुझे एक भाई जी के पास लेके जाने वाला है। भाई जी? नहीं, वो हीरा देवी भाई है ना, हीरा देवी भाई है ना, वो भजन बहुत अच्छा गाती है ना। तो ये जो रात से भजन सुनना शुरू करते हैं ना, तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तक सुनते रहते हो। तो भजन सुने तो फिर मैं भी चलूंगा। नहीं, आपसे इतनी पूजा होएगी नहीं इनके जितनी, नहीं हो ही नहीं सकती। मामा इधर उधर की बातें मत कर, राजू की शादी की बात कर। बुढ़ा मूड में दामाद बनेगा तू? हाँ। 5 करोड़ रुपए चाहिए? हाँ। अबे क्या बात है कन्नू, बहुत टेंशन में लग रहा है। आइए, क्या हुआ क्या राजा? हाँ, मामा ने तो दारू पी के नशे में उस बुढ़े को बोल दिया है कि उसकी तीनों लड़कियों के लिए वर हम ढूंढेंगे। तो अब उन तीनों एंटिक लड़कियों के लिए लौंडे लाएंगे कहां से? इसलिए मैंने इश्तियार दे दिया, ऐड छाप दिया कि खूबसूरत गुणवंती लड़कियों के लिए उल्लू के पट्ठों और जोरू के गुलामों की जरूरत है। पसंद आने पर दामाद को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाँ तो बराबर है ना? बस बस 150 लोगों को निपट चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, एक से एक आड़े टेढ़े थे। देख मेरी खोपड़ी खत्म हो गई, तवे की तरह तप रहे लोग। अरे वाकई यार, तेरी तो खोपड़ी सिगड़ी के माफिक तप रही है। तो वो बाहर खड़े ले उनका क्या होगा यार? उनको तो ही निपट भाई, मेरे में ताकत नहीं है। तू इस घर का होने वाला दामाद है ना, तू ही निपट। लो, इस वायग्रा ने कई बुड्ढों को चरित्रहीन कर दिया। क्या भाई, कोई अच्छी सी चीज दिखाइए। अबे ये कोई कोठा है या कोई तवायफ खाना जो बोल रहा है अच्छी सी चीज दिखाइए? अबे चुसे राम, तेरी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसी हुई? मैं अबे अपनी उम्र का लिहाज कर, चीज मांग रहा है? अरे ठहरो ठहरो, मैं अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए मांग रहा हूँ। ओहो माफ करना चाचा, हमसे गलती हो गई है। जरा अपनी इकलौती औलाद को बुलाएंगे आप प्लीज? अरे बेटा चांद, जरा इधर आओ। हाय 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 हाय, ये तो कोई बीच की चीज लगता है, तू बीच में आ जा भाई, इधर आ जा। ये आपकी इकलौती औलाद है? ये आधी अधूरी सामान लेके क्यों घूम रहा है तू? अरे कोई साथ में लेकर घूमने लायक चीज है वे? नहीं, ये मेरा इकलौता लड़का है। अच्छा, कितना प्यार है, जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है उसको आपने पाल रखा है। ये जब पैदा हुआ था चेकिंग के लिए वो लोग नहीं आए थे? देख कैसे लहरा रहा, जैसे रस्सी पे दुपट्टा, किधर खड़ा रहे, मारूंगा मारूंगा। देखो ये मेरे चांद का टुकड़ा है। अच्छा, मेरे आंखों का नूर है। इसे ज्यादा मजाक मत करो। अरे मजाक तो इसके साथ ऊपर वाले ने किया है, और इस मजाक को लेकर साथ में हमारा मजाक उड़ाने के लिए आप इधर आ गए। सीधा खड़ा रहे, हमारा देश न्यूक्लियर बना रहा है और तूने सुरसुरी बना दी, शर्म नहीं आई? हाँ, और ये लवंगी फटाका फोड़ने के लिए हमारे घर मिला देगा तुमको? देखो ज्यादा बदतमीजी ठीक नहीं है इसके साथ। अच्छा, वैसे एक बात बताना चाचा, ये अपने चांद ग्रहण की कोई कोई आइडेंटिटी तो बताओ। देखो मैं चाहता था लड़की। अच्छा, और मेरी औरत चाहती थी लड़का, और ऊपर वाले ने दोनों की सुन ली और ये फसल होगी। वैसे इनकी छोड़ो और इनकी पकड़ो। अच्छा अच्छा, लड़की के बारे में क्या सोचा तुमने? मुझे ना खान बहुत पसंद है। मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ बुढ़ो, ये खान लोग की बात कर रहा है। अबे अपनी होने वाली बीवी के बारे में कुछ सोचा है तूने? उसके बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में सोचा है। अच्छा, डिटेल में क्या सोचा है? तो सुनो, चेहरा हो अनीव जैसा और पर्सनैलिटी हो सलामत जैसी। अच्छा? और चंचलताएं हो हाय मारुख जैसी। और आसिफ अली खान के बारे में क्या ख्याल है? उसको तो आप सेफ में रखिए। क्यों, तू बहुत ग्रेड है? अबे साले, तेरे को पति चाहिए कि पत्नी चाहिए? अच्छा एक बात बता, तेरी बारात जाएगी कि आएगी? आएगी आएगी, ले कमाल का बाप है, हर बात में साथ देता है यार। मजा आएगा, बारात आएगी। हाँ देखो जी, खड़ा आज दूल्हा बन के जाएंगे ससुराल। अच्छा चाचा एक बात बताऊँ क्या, इसको रोज शाम को ना धूप पर छोड़ा, रोज रात को थोड़ा सा पैसा ले आएगा। देखो आप हद से ज्यादा गुजर रहे हैं। अरे हम लोग उस गली से नहीं गुजरेंगे जिस गली में तुम इसके साथ रहते हो। ले जाओ प्लीज बगैर टिकट के लिफाफे को, ना ये बाप बन सकता है ना दादा, ना नाना तुम बन सकते हो, समझे तुम? चलो यार सुनो, एक मौका तो दीजिए। ले खान को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए, अरे संभाल इसको, हटा आप ही दीजिए ना मौका। जिसने अपने बाप को धोखा दिया वो मौका मांग रहा, उल्टा लग जा प्लीज। ये तूने क्या अखबार में इश्तिहार दे दिया यार, कि शहर के जितने सड़ेले गलेले फटेले और हटेले लोग हैं वो इधर आ जावे? ये सब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने किया था, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे फटेला हूँ। हाँ ठंडा हो जा, चल ठंडा हो जा, चल ओके। जनाब अली, अगर आप दोनों हजरात खुराफात खजीना से फारिग हो चुके हों तो ये बंदा तशरीफ आवरी चाहता है। अबे पतझड़ के सड़ेले पत्ते
बाहर तेज हवा चल रही थी जो उड़ के अंदर आ गया। तू है कौन बे? दूल्हा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, अखबार में पढ़ा है कि आप दोनों बिरादरान शादी खाना आबादी का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। अच्छा, धोने की बात से मेरे को याद आया कि हम लोग तेरे को धोना शुरू करेंगे ना, तो इतना धोएंगे कि तेरा ना सर पे ना बाल रहेंगे ना तेरे जिस्म पे खाल रहेगी। ये तो सूखा मैदान है बाबा। अरे तो सेठ जी का वो है, आलू बुखारे क्या कैसे बना रहे? कनु भाई एक बात बोलू क्या यार, इसको देखते मैं पहचान गया था, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम भी दूल्हा बनने आया? सरकार वो यूं कि इस नूरानी चेहरे के लिए कहीं कोई और नूरानी चेहरा भी किस्मत में होगा। अरे नूर तो ऐसा देखा नहीं यार, टप टप टपक रहा है यार, इतना नूर टपक रहा है, ये चांद तो रोशन हो जाएगा, दिलों का रंग जलेगा। अबे भूकंप में उजड़ी इमारत तू शादी करने आया क्या? देखिए जनाब, ये इमारत जरूर भूकंप में उजड़ी होगी, लेकिन ईंटें बहुत मजबूत है। मेडिकल सर्टिफिकेट है तो चारों तरफ से अनफिट लग रहा है मेरे को सुकड़े। अरे लेकिन कनु भाई एक बात बोलूं क्या? बोलो यार, इसके जिस्म में एक चीज बहुत काम की है। हाँ यार, बोलूं तो क्या बोलूं मालूम है? इसके बाल। अरे बताओ ना यार, जब तू बाल काटेगा ना तो उसको फेंकना नहीं, बेचना। क्यों बोलूं मालूम है? बच्चों के स्वेटर बनाने के काम आएंगे, तू तो साला मल्टी मिलियनर बन जाएगा। मैं तो बोलता हूँ यार, तेरे बाल है ना वो करोड़पति बना सकते यार तेरे। देखिए जनाब, बदतमीजी की इंतहा हो गई, मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ, शादी करवाइए, दुल्हन का बंदोबस्त कीजिए। शादी क्या पड़ोसी के लिए करना चाहता है क्या? नहीं, क्या करना क्या चाहता है यार? वो तेरा तेरा बाप लेकर खड़ा रहेगा क्या? कि अपने सर पे खिल चुकवाएगा के बेबी कॉल लगवाएगा तू? एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी को जाके बोलता हूँ कि इस उम्र में ये शादी करना चाहता है। चुप! अबे बदन पे बोटी का ठिकाना नहीं, शादी करेगा सोचता कैसे भाई? एड़े तेरी खोपड़ी पे तो। एक अनु भाई जाने दो, जाने दो, इसकी नौकरी चली जाएंगी। आलमपना श्याणपना, चल एक बात बोलूं क्या कनु भाई? अरे इन लड़कियों के लिए हस्बैंड है, वर ढूंढने का कोई और तरीका ढूंढते हैं, मेरा तो भेजा पटने। मगर मेरे साथ तो ऐसा क्यों बात कर रहे? उसको तो बोला बोला, मेरे साथ सीधा बात कर, क्यों मेरे को पका रहा तू यार? ए तू मेरी स्टाइल में काय को बोल रहे ला यार? आईडिया ए भांजे, एक ही लड़की बची है और बची है ना उसे मर्दों से नफरत है ना? मर्दों से नफरत है, इसको बोल ना उसको पटे। नहीं करे यार, वैसे सोचा जाए तो मामा की बात में दम है। अबे सीधे सीधे बोल ले, तू मेरे को भगाना चाहता है? अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ ना। अरे सुनना, इतना भाव का खा रहे ला यार। अबे भाव का सवाल नहीं है यार, वो लेडी तारजन है, नाक पे मक्खी बैठने देती, मर्द की परछाई पड़ जाए ना तो पानी में डेटोल डाल के नहाती है, मुझसे पटेगी? पटेगी यार, तेरे को मालूम नहीं है सब लड़कियां ऐसी होती है, एकदम आक्रोश के माफिक, ऊपर से कड़क अंदर से एकदम मेवा। नहीं चाहिए मेवा, मुझे माफ कर। ए भाई समझा कर यार, तू बोल बच्चन में अमित जी बच्चन है। अरे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा ना कि तेरी बीन बनाचे वो। समझा कर यार, 5 करोड़ का चक्कर है बाप। I will try. अरे तू हट जा राजा, अब मेरी जिंदगी की गाड़ी प्यार की मंजिल पे जाके रुकेगी या फिर मौत इस सफर का आखिरी सेशन होगा। अरे एक लड़की के लिए तू जान देने जा रहा है? अरे मैं तेरे लिए ऐसी 1760 लड़की दम कर डालूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपनी तू जान मत दे उसके लिए। अरे तू मेरा एकला एक यार है यार। सरस्वती मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। गाड़ी जीरे सरस्वती, एक बार इसकी बात सामने ले। ए बेबी तू इसको समझा ना। दीदी प्लीज इसे बचा लो, प्लीज, मर जाएगा बेचारा दीदी। अरे सू इधर उधर देखती है, ए तू उठने। दोस्त मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, मर्द जिसे चाहता है या उसे अपना बना लेता है या उसके लिए दुनिया छोड़ देता है। मैं सरस्वती के लिए दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, जब तक मेरी सरस्वती मेरे को यहाँ से उठाती नहीं है मैं उठने वाला नहीं हूँ। गाड़ी बुला रही है, गाड़ी बजा। सरस्वती यानी जान बचाई लो, वरना ये तेरे इश्क में जान दे डालेगा। गाड़ी दीदी ट्रेन आ रही है। अब तो गाड़ी आके मेरे को टच करेगी बस। मारा दोस्त ट्रेन माँ का पी जाए मुंडी। बात याद रखना, मैं जान दे रहा हूँ सिर्फ सरस्वती के लिए, बस
गाड़ी। ऐसे पत्थर दिल मत बनी, ये चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा। नहीं आपकी खातिर मेरा प्यार भी लुट जाएगा दीदी। हाँ। प्लीज सेव हिम। अरे मेरे लिए इनसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। गाड़ी। ए सरस्वती हमें किधर गई? उठिए सरस्वती, मैं जानता था तुम मुझे मरने नहीं दोगी, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। आई नो। थैंक यू। मैं तुम्हें बचाने नहीं बताने आई हूँ कि ट्रेन उस ट्रैक पे नहीं इस ट्रैक पे आ रही है। मरना है तो मरो। ए सरस सू कर रही है, अरे इसको भी लेके जा रही है। क्या दो अबे तू क्या कर रहा है? ए तू बाहर निकल। मैंने नहीं होना क्या? मैं तो यार मेरा मुझे नहीं देना क्या यार? तू छोड़ दे मेरे को, गाड़ी के नीचे घुसता मैं। अरे तू यार कर लो तू ये करे। कौन आबा तू? अबे नाम सुनेगा तो जिंदगी भर कमर पे पतलून नहीं टिकेगी। अलकानवाड़ी का खड़े भाई का नाम सुना है? वही जयपन। उरा क्या बकवास कर रहा सा तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। चल चल कर सरस्वती के पैरों पे गिर कर माफी मांग। कॉलेज में तूने उसकी बेइज्जती की थी ना? हाँ ओ तो ये बात समझ में आई, सरस्वती ने थारे को भेजा है माफी मांगना है। ए ले माफी ले ले। क्या करता है यार, एक थप्पड़ से पूरे लिफाफे का एड्रेस बिगाड़ दिया। दिस इज टू मच मैन। पूरा के अंग्रेजी में गिटर बिटर कर रहा सा तू? मारे कौन है जानता, मैं दादा हूँ। कर लो दादा। अरे तू दादा है तो भगवान करे कि तू नाना बन जा यार, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है यार। तू मारे कौन है जानता, मैंने 6 कत्ल किया 36 रेप, और पुलिस की हिम्मत ना हुई मारे को पकड़ ले। हाँ तेरे को देख के पुलिस की शक्ति का अंदाजा हो रहा है मेरे को। ओए इसको तो मैं अस्पताल पहुंचा दूंगा, तू बता थारे को कहाँ पहुंचाओ? शमशान घाट। शमशान पहुंचाएगा तू मन्ने? कौन गाओगा तू? गुड़गांव गाऊ तेरे गाँव गाऊ मुझे शमशान बजाएगा तू? कमाल कर रहा है तू? मार क्यों रहा है तू? अरे मैं नहीं मारूंगा तो कौन मारेगा? मैं तेरा भाई हूँ यार। अरे भाई भाई बोल के मारे जा। अरे दुनिया की रीत है यार, भाई भाई बोल के मारा तू मंडे मारेगा यार? मैं तेरा भाई हूँ यार। ओए कसम खा के बोल रहा हूँ, तेरे लड़ाओ मारे को कोई हाथ लगा। अरे यार मैं तन्ने को अगर बदमाश समझता तो सरस्वती तेरा आज तक इंतजार कर रही होती। हाँ वो बोलती है कि अगर मैं शादी करूंगी और शादी करूंगी तो बस कल उड़ान लग से करूँ। सरस्वती से हमारी शादी बनाएगा तू? हाँ मैं बना के दूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन शहर वाले बनाएंगे तेरे लिए? तू मेरा भाई है भाई, तू मेरा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। तू बता तेरा को काम बजवाना हो तो पूरा शहर को तेरा पैरा मैं घेर दूंगा, बता कौन सा काम करना? ज्यादा बड़ा काम नहीं है यार, मारे 10 लाख रुपए कट के हुए हैं, 5 लाख तू रख ले, 5 मन ने दिला दे। ओए मेरा भाई का पैसा कौन खा गया? ओए बता मेरे को कौन खा गया मेरा भाई? लगाता हूँ फोन, लगाता हूँ, यही नंबर है ना? हाँ ये बात कर। ओए कौन है? ओए तेरी दे उसको यार। ओए रामदादे कौन है तू? मेरे भाई का पैसा खाएगा तू? वो नीचे का जोर लगा के बोल रहा है। ओए कौन है तू? मेरे भाई का पैसा खाएगा तू? हाँ गाली दे उसको। ओए कुत्ते कमीने पैसे कब देगा? अबे उसको एड्रेस देके बुला लेना। और रुक जा। ओए कमाटी पूरा पता है बॉम्बे सेंट्रल है, वहाँ आके पूछ ले कल्लू दादा का अड्डा किधर है, बच्चा बच्चा बता देगा तारे को। वो ब्यूटी पार्लर के सामने वो लुगाइयों की हजामत की दुकान है। वो ब्यूटी पार्लर है ना, लुगाइयों की हजामत की दुकान, उसके बाजू में आके पूछ लेना कल्लू दादा का अड्डा। बच्चे निकल लूंगा, तेरा बच्चा निकल लूंगा, औरतें उठा लूंगा घर की, तेरी घर की औरतें उठा लूंगा, मोहल्ला का मोहल्ला मोहल्ला उठा लूंगा, पूरा शहर उठा लूंगा, पूरा शहर उठा लूंगा, पूरा शहर उठा लेगा, तेरा घर जला दूंगा, तुझे यतीम कर दूंगा मैं, मुझे यतीम कर देगा, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर देगा, खत्म कर दूंगा। अच्छा मुन्ना मैं आ गया तो आ जाओ इधर। ये कौन है? कमिश्नर साहब, इन्हीं को तो फोन लगाया था। तू भाई है कसाई है? बस आज तेरी धुलाई है। तू मेरी बीवी को उठवाएगा? ना जी। मेरे बच्चों को उठवाएगा? बिल्कुल नहीं जी। मेरे मोहल्ले को उठवाएगा? साहब जी मैंने आपका कुछ नहीं। अरे इनका नहीं बिगाड़ा तो क्या हो गया, शहर की दूसरी लड़कियों का तो बिगाड़ा है, उनसे कब माफी मांगेगा? एक कन्हैया लेकर आ सरस्वती को। क्यों यही है ना वो? अबे कर लो चल, पैरों पर गिर के माफी मांग, चल माफी मांग। ओ बहन जी मन्ने माफ कर दो। इस बहन से तो माफी मांग ली, अब बाकी बहनों से कमिश्नर साहब माफी मंगवाएंगे। चल यू बास्टर्ड।
कम यहाँ। बड़ा अच्छा भाई नहीं तेरा सगा भाई हूँ मैं, तेरा गाँव गाँव हूँ। ए खुश रहो खुश रहो। मामा दबा के खा भी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है अब उनकी, इसलिए तो लाए ना वहां से। ए राजू अपने बंगले की टेरेस है ना टेरेस, उसपे मैं 8-10 टाकी लगाऊंगा। मामा टाकी एक ही लगती है पानी की। अबे वो टाकी के ढक्कन, मैं पानी की टाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दारू की टाकी की बात कर रहा हूँ। हर एक टाकी में अलग अलग दारू होगी और सबके नल मेरे बेडरूम में। एक नल घुमाया विस्की, दूसरा नल घुमाया शैंपेन, तीसरा नल घुमाया रम। अरे बंद कर मामा बंद, पीपी के लीवर खराब हो जाएगा, नीट पीने लाइए। पकाओ पकाओ पकाओ, ख्याल ख्याल नहीं पड़ा और पकाओ। पानी की टंकी, दारू की टंकी, बंगले, एक पैसा मिलने वाला नहीं है। मालूम है ना सेठ जी ने क्या बोला है, जब तक चारों बेटियों की शादी नहीं होती एक पैसा किसी को नहीं। तीन का हो गया बंदोबस्त, चौथी के लिए चौथा किधर से लाएगा? कमाल का, सॉरी कमाल का आइडिया आया मेरे पास, सॉरी है मेरे पास। वो राजू पटेल है ना एयरपोर्ट, वो जिसका चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया था उन लोगों ने, वो मुंबई का को आया था, सेठ जी का दामाद तो बनने के लिए आया था, वो टिका ला लेंगे उसको तेरी। अरे उसको तो पुलिस स्टेशन पहुंचाया तूने। अरे पुलिस स्टेशन ही, उसको तो मैंने सीधा पागल खाने छोड़ दिया, और पता नहीं किस लेवल का पागल हो गया होगा वो पिचारा। ये संसार बोले तो एक पागल खाना है, यहाँ हर एक प्राणी बोले तो पागल है, कोई दौलत के लिए पागल है तो कोई शौहरत के लिए पागल है, गरीब मुक्ति के लिए पागल है, बलवान शक्ति के लिए पागल है, संतरी बोले तो नोट के लिए पागल है, मंत्री बोले तो वोट के लिए पागल है, प्रभु 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 ये देश में बोले तो क्या हो रहा है। अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता था। मैंने इससे ज्यादा पढ़े लिखे और सुधरे हुए पागल पहले अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं। आप उस भ्रम में मत रहना, ये दुनिया के सबसे खतरनाक पागल है। 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ये खामोश रहने वाले पागल चीखने चिल्लाने वाले पागलों के बाप है बाप, और इन सबका बाप वो बैठा है जो भाषण दे रहा है। अच्छे नेता चले गए, हम बोलने के लिए रह गए, इंडिया वॉज ग्रेट। बच्चों अब हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ए हो सुनानी बाबा ध्यान कर रहे हैं? ध्यान चल रहा है। ये भाई तेरे को इसने समझाया तो समझ में नहीं आया क्या? मैं समझाऊं कि हम लोग किस लेवल के पागल हैं? चुप कर, मेरे को तेरा लेवल मालूम है, ध्यान चल रहा है, चुप बैठ। बाबा ए बाबा ए तारी माई नहीं, राजू पटेल मारी बात तो हामड़। हाँ बोल ले डिकरा, बोल डिकरा ना तेरा बाप बोलो, छो पासपोर्ट लाई नहीं, पासपोर्ट जो छे कि नहीं? पासपोर्ट मत। अरे कस्टम वाले बाबा, इससे पहले तेरा सिस्टम बिगड़ जाए तो मेरे साथ चल, इधर बहुत पॉलिश है। पहले ये तस्वीर देख। कौन छे? ये कैसी लड़की है? सारी छे। अच्छी है ना? अमेरिका ले ही नहीं जाए? जाइस शादी करी करी उठी उठ गया उठी उठ गया, जल्दी चले डिकरा जल्दी। एक मिनट घाई मत कर, आओ हमारे साथ। हमारे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हो? बाबा का सिर्फ शरीर जा रहा है, आत्मा वहाँ है। फिर आप कौन है? मैं, मुझे नहीं पहचाना आप लोगों ने? मैं यमदूत। बोलो पागल महाराज की जय, बोलो कस्टम वाले बाबा की जय। अगर तुम मेरी तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे शुक्र है, बुलाए चले तेरे जाना। हूँ तैयार छू। हाँ तो जाना फिर। मैं तुम्हारी तमाम जायज नाजायज अच्छी बुरी शर्तें मानने को तैयार हूँ, तू जैसा बोलेगी जैसा रखेगी मैं रहने को तैयार हूँ, सिर्फ मेरे को अपने शरण में ले ले बहन। अरे बहन क्या बोल रहा है? आप दोनों भाइयों की बहन मेरे तो होने वाली घर वाली है ना, वो क्या थोड़े दिन पागल खाने रहकर आया हूँ ना, थोड़ा तो असर पड़ेगा ना भाई। आई लव माय इंडिया।